आज की वीडियो में आपके साथ बहुत ही मज़ेदार यमी डिलीशियस कुल्फा की रेसिपी शेयर करूंगी बगैर किसी क्रीम के, कुछ चीज़ों के साथ मज़ेदार। रेस्टोरेंट से भी अच्छा आप कुल्फा घर में हेल्दी वे में किस तरह से बना सकते हैं, चैलेंजेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 लीटर दूध, 1/2 कप शुगर, 4 रस, 3 इलायचियाँ, 7 से 8 बादाम और पिस्ता और कुल्फा एसेंस। सबसे पहले एक बर्तन में हमने दूध को रख के चीनी इलायची डाल के पकने के लिए रख देना है इसको, ठीक है, जिसको हमने पकने देना है 7 से 8 मिनट के लिए। कुल्फा बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि फुल फैट मिल्क हो, यानी कि भिलाई उतरी हुई ना हो। अब हमने रस और नट्स को अच्छे से कर लेना है ग्राइंड चॉपर में कुछ इस तरह से, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब नट्स भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएंगे, वो पकेंगे तो टेस्ट बहुत ही मजे का आएगा, इस तरह से पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। और हमने इसको डाल देना है दूध में और इसको हल्का हल्के हाथों से हमने मिक्स करते जाना है ताकि ये गुठलियां ना बने, लम्स ना बने। इसको हमने अच्छे से पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए, इतना कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक हो जाए और आपने कंटिन्यूसली जो है वो चम्मच हिलाते रहना है। चलें जी, अब ये काफ़ी हद तक थिक हो चुके हैं कुछ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इसकी जो हमने इलायचियाँ डाली थी ना वो हमने बाहर निकाल लेनी है। इलायचियों के हमने बीज जो है वो हमने खोल के नहीं डाली थी, उनको निकालना बहुत ज़रूरी है। देखें अच्छा खासा थिक हो गया, अब हम इसकी इलायची निकाल देंगे। इलायची को निकालने के बाद 1/3 कप मिल्क पाउडर डाल देंगे इसके अंदर और इसको हम मज़ीद इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। हमने इसमें कोई भी कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, हेल्दी वे में है और बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। कुल्फे को जितना अच्छा पकाया जाए ना लो फ्लेम पे, उतना अच्छा टेस्ट आता है। 3 से 4 कतरे मैंने इसमें डाल दिए हैं कुल्फा सेंस के, फ्लेम को ऑफ करना है, ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। ठंडा हो गया, 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से हमने बीट करना है। बीट करना बहुत ज़रूरी है, एक स्मूथ कंसिस्टेंसी आ जाएगी जो कि हमें चाहिए होगी। जब आप बीट नहीं करेंगे तो इसमें एक आइस क्रिस्टल बनने के चांसेस होते हैं और वो टेक्सचर इतना स्मूथ नहीं होता, इसलिए बीट लाजमी करना है। इसके बाद क्लिंग रैप से हमने इसको अच्छे से ढक देना है ताकि आइस क्रिस्टल आपने ओवरनाइट हमने इसको फ्रीज कर देना है। सर्विंग से जस्ट 10 मिनट्स पहले आपने इसको बाहर निकाल देना है ताकि आराम से ये आ जाए। और ये देखिए बगैर किसी आइस क्रिस्टल के मज़ेदार डिलीशियस कुल्फा रेडी है। छुट्टियों में तो बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, तो आप इस तरह से बना के दें, बच्चे भी खूब इंजॉय करेंगे और बहुत मज़े का बनता है। अगर आप इसमें सेवइयां भी ऐड कर दें तो आपका फालूदा भी बहुत मज़ेदार से हो जाएगा रेडी। यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा शेयर करें, बाकी इससे फ़ायदा उठाएं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट में बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो मिलूंगी नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।